हेलो गाइस, दिस इज आशीष पराशर और आज का टॉपिक है सिस्को फायरवॉल। तो सिस्को फायरवॉल मीन्स सिस्को फायरपावर। तो इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे सिस्को फायरपावर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी आप कोई भी आप एक न्यू सिस्को फायरपावर परचेज करते हैं मार्केट से, तो आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आप इजिली कर सकते हैं एडवांस लेवल से पहले, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल ओवरव्यू देंगे कि कैसे आप फायरवॉल के अंदर लैन टू वैन ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, क्या क्या बेसिक पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या आप स्टैटिक रूट कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो का मोटिव है कि आप जनरली अगर कोई भी डिप्लॉयमेंट करें, कोई भी फायर पावर डिप्लॉयमेंट करें, तो इस वीडियो की हेल्प से आप फायर पावर डिप्लॉयमेंट ईजिली कर सकें। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आप फायर पावर कि इजीली सीख जाते हैं फायर पावर या सिस्को की फायर वॉल, इजीली आप मार्केट में 6 से 7 लाख का पैकेज डिजर्व करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, अगर आप एक फायर पावर इजीली सीख जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सीख जाते हैं, तो देन आप मार्केट में नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इजीली इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें हम फ्लो भी समझेंगे, कैसे फ्लो है। फ्लो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास एक वैन ट्रैफिक है, एक हमारे पास वैन क्लाउड है जो कि किसी भी ISP का हो सकता है, जो कि हमारे फायर पावर से कनेक्टेड है। तो फायर पावर से जो कनेक्टेड है वो हमारा 0/0 से कनेक्टेड है। फायर पावर से हमने दो इंटरफेस कनेक्ट कर रखे हैं जो कि स्विच से कनेक्टेड है। दो हमने इसलिए कनेक्ट किए हैं ताकि हमारा फायर पावर से HA हमारा हाई अवेलेबिलिटी बने रहे, हमारा रिडंडेंट ट्रैफिक बना रहे। उसके बाद हमारा एक लाइनेक्स मशीन का है जो कि हमारे पास लाइनेक्स मशीन हमने यहाँ पे रखा है इसी से टेस्टिंग पर्पज से। एक हमारे पास FMC है, FMC मीन्स जो हमारा फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर कंसोल है। तो ये बेसिक सिनेरियो मैंने यहाँ पे सेटअप किया है जिससे हम इजीली समझ पाए कि इस सिनेरियो के ऊपर हम टेस्टिंग लाइनेक्स मशीन पे कैसे कर सकते हैं और फायर पावर को कैसे अप एंड रनिंग कर सकते हैं। अभी आपका फायर पावर बिल्कुल ब्लैंक है, आपकी FMC बिल्कुल ब्लैंक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले जब भी आप फायर पावर यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको कंसोल कनेक्ट करना है फायर पावर के अंदर। कंसोल आप कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद एक ऐसी विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको यूज़र नेम पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा। तो यूज़र नेम पासवर्ड होता है फायर पावर का एडमिन, और पासवर्ड होता है admin123। ये आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आप नोट कर लीजिए, ये आपको काम आएगा जब आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आपको ये सेम पासवर्ड यूज़ करना है जब आपने कोई न्यू फायरवॉल परचेज किया है। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा एडमिन और पासवर्ड पुट करूँगा admin123। तो admin123 जैसे ही मैं पुट करूँगा तो फायरवॉल मेरा कंसोल ओपन होगा। ओपन होने के बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा मैनेजमेंट IP कॉन्फ़िगरेशन। तो मैनेजमेंट IP कॉन्फ़िगरेशन करने के दो तरीके हैं FMC के अंदर। आप FMC डायलॉग के थ्रू करना चाहते हैं या फिर आप सम कमांड लाइन के थ्रू करना चाहते हैं। जैसे जैसे ही आप पासवर्ड पुट करेंगे सबसे पहले आएगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस। तो आप डायलॉग के थ्रू करना चाहते हैं जो कि आपको सिस्को का जो FXOS है, जो फायरवॉल OS है, वो आपको बताएगा कि आप मैनेजमेंट IP क्या रखना चाहते हैं, क्या सबनेट पासवर्ड रखना चाहते हैं। उसके थ्रू अगर नहीं करना तो एक सिंगल लाइन कमांड है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वो कमांड है कॉन्फ़िगर नेटवर्क। हम CLI पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर नेटवर्क, उसके बाद मुझे टाइप करना होगा IP वर्जन 4। IP वर्जन 4 के बाद मैनुअल, मैनुअल के बाद जो IP मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो IP देना चाहता हूँ 192.168.100.10। सबनेट मास्क यहाँ पे रखना चाहते हैं 255.255.255.0, और इस केस में हमें गेटवे देना होगा 192.168.100.1। तो ये मेरा गेटवे रहेगा। तो इसे गेटवे कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा सिस्को फायर पावर मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको टाइप करना होगा फायरवॉल के ऊपर कॉन्फ़िगर मैनेजर। कॉन्फ़िगर मैनेजर कमांड है। उसके बाद ऐड टाइप करना होगा। ऐड टाइप करने के बाद अगर आप मैनेजर लोकली रखना चाहते हैं, लोकली का मतलब होता है FDM, फायर पावर डिवाइस मैनेजर,
उसके थ्रू मतलब आप FMC यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको ये कमांड पुट करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ कर रहे हैं फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर यूज़ कर रहे हैं मैनेज करने के लिए, तो आपको फायर पावर पे आपको मैनेजर डिफाइन करना पड़ेगा, आपको फायरवॉल के अंदर मैनेजमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड है कॉन्फ़िगर मैनेजर ऐड, ऐड के बाद आपके मैनेजर का IP, देन एक आपके रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन की मैंने यहाँ पे पुट की है Cisco 123। जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो आएगा मैनेजर सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड। उसके बाद हम जाएंगे और चेक करेंगे कि मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्रेशन क्या दिखा रहा है। कमांड होती है सो मैनेजर, तो अभी कोई मैनेजर हमारा पेंडिंग दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन, तो उसे कंप्लीट करने के लिए हम जाएंगे FMC के ऊपर। FMC पे हमें इसे इंटीग्रेट कराना पड़ेगा अपने फायरवॉल को, तो हम FMC लॉगिन करेंगे। तो FMC लॉगिन करेंगे हम PC के ऊपर अपने, FMC लॉगिन किया हमने, FMC में बाय डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड सेम है जो मैंने आपको बताया था एडमिन, और पासवर्ड है admin@123। जैसे ही आप एडमिन कंसोल पर जाएंगे टाइप करेंगे configure_network। इस कमांड को टाइप करने पे आपको पता चलेगा कि ये सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है इस कमांड को, तो इस कमांड को सपोर्ट नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर एडमिन मोड पे। आपको टाइप करना होगा sudo su, अगर ये सपोर्ट करता है तो देन आप कर सकते हैं, अगर सपोर्ट नहीं करता तो आपको टाइप करना होगा sudo su। पासवर्ड आपको देना होगा जो आपने पासवर्ड बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है, तो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड मेरे पास है admin123। रूट के मोड पे जाके आपको ये यूज़र वाला कमांड जो ऊपर आया था जो अपने परमिशन डिनाइड पे कमांड है, ये आप कमांड पुट करना होगा। कमांड पुट करेंगे हम यहाँ पे, कमांड पुट करने के बाद आप इसे इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसका मैनेजमेंट इंटरफेस। तो मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करने के इसमें भी दो तरीके हैं, आप इसे डायलॉग के थ्रू करें या आप इसे GUI एक्सेस के थ्रू करें। इसका बाय डिफ़ॉल्ट GUI IP होता है 192.168.45.45, लेकिन इस केस में हम इसे CLI के थ्रू ही करेंगे। तो इस कमांड को पुट करेंगे हम सबसे पहले, कमांड पुट करने के बाद हम हमारे पास डायलॉग ओपन होगा जो कि कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग है। कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग हम जैसे ही हम करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग ओपन होगा। उसके बाद अगर हमने कुछ IP एड्रेस दे रखा है तो उसमें पूछेगा कि आप यही रखना चाहते हैं IP एड्रेस या फिर चेंज करना चाहते हैं। तो हमने ऑलरेडी मैनेजमेंट पे IP एड्रेस दे रखा है 100.3, हम इसे सेम रखना चाहते हैं तो हम इस सेटिंग्स को अप्लाई कर देते हैं। तो अब सेटिंग अप्लाई करने के बाद हम इसे GUI पे एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कोई दूसरी फायरवॉल होती है, दूसरी फायरवॉल में आपको HTTPS या फिर पिंग वगैरह अलाउ करना पड़ता है, बट सिस्को की फायरवॉल में ये आपको अलाउ नहीं करना होता। आप अपने PC पर जाके HTTPS एक्सेस चेक कर सकते हैं। तो मैंने PC पर चेक किया, मैं इजीली पिंग कर पा रहा हूँ गेटवे को, और सबसे पहले अब मैं फायरवॉल चेक करूँगा और FMC चेक करूँगा। FMC का IP को भी पिंग कर पा रहे हैं और FMC के साथ मैं फायरवॉल का IP चेक करूँगा, तो फायरवॉल का IP भी यहाँ से पिंगेबल है इस मेरे कंप्यूटर से। देन अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे FMC को। FMC को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम GUI मोड पर जाएंगे और GUI के थ्रू इसे एक्सेस करेंगे। तो हम एक्सेस करेंगे 100.3 को, जो कि हमारा FMC का IP है। उसे एक्सेस करने के बाद हम इसे ऐड करेंगे अपनी फायर पावर डिवाइस। तो बाय डिफॉल्ट यूज़र नेम होता है एडमिन और पासवर्ड होता है admin123। admin123 पर जाएंगे, उसके बाद हम डिवाइस पे जाके इस पर्टिकुलर डिवाइस को ऐड करेंगे। तो डिवाइस पे जाएंगे इसके बाद, और उस पर्टिकुलर डिवाइस को जो हमारा फायरवॉल डिवाइस है उसे हम इंटीग्रेट कराएंगे FMC के साथ। FMC पे इंटीग्रेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम डिवाइस के अंदर जाएगा ऊपर ऑप्शन आ रहा है ऐड, ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे जैसे, तो हमारे पास ऑप्शन है ऐड डिवाइस। ऐड डिवाइस के अंदर जाएंगे, ऐड डिवाइस के अंदर हमें ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ऑप्शंस हम यहाँ पे सबसे पहले होस्ट के अंदर IP एड्रेस पुट करेंगे, जो भी डिवाइस का IP एड्रेस है। एड्रेस आया है 100.10। डिस्प्ले नेम में FTD कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन की में हम पुट करेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन की वहाँ पे यूज़ की है, रजिस्ट्रेशन की हमने यूज़ किया Cisco 123। उसके बाद हम यहाँ पे पॉलिसी पे जाएंगे, तो पॉलिसी हमने ऑलरेडी लैब क्रिएटेड की हुई है। बाय डिफॉल्ट पॉलिसी होती है ब्लॉक ऑल द ट्रैफिक। इसके बाद हम यहाँ पे टिक मार करेंगे, हमें मालवेयर लाइसेंस चाहिए, थ्रेट लाइसेंस चाहिए, URL फिल्टरिंग चाहिए, तो इसमें हम जाके रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद CLI पे जाएंगे, चेक करेंगे स्टेटस, CLI पे अब कंप्लीट आ गया है। अब हम GUI पे जाके चेक करेंगे कि GUI पे स्टेटस क्या दिखा रहा है। उसमें
अप्रॉक्स 5 मिनट्स का टाइम लगेगा स्टेटस आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको वैन इंटरफेस पे जाना है। अगर वैन आपको स्टैटिक देना चाहते हैं तो स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप DHCP बाय डिफ़ॉल्ट DHCP है तो DHCP के थ्रू भी IP एड्रेस आप वैन पे ले सकते हैं। आप लैन इंटरफेस पे जाएंगे। लैन इंटरफेस पे जाने के बाद IP वर्जन 4 के अंदर जाएंगे। जनरली सेटिंग सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद अगर आप DHCP रखना चाहते हैं तो DHCP और स्टैटिक देना चाहते हैं तो स्टैटिक आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो स्टैटिक कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको स्टैटिक IP देना होगा। ओके करेंगे और आप स्टैटिक IP आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो फायरवॉल के केस में, सिस्को फायरपावर के केस में, जो भी आप सेटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे इसमें, उसे सबसे पहले आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद ऊपर डिप्लॉय के बटन पर जाके इसे डिप्लॉय भी करना होगा। जब आपकी सेटिंग डिप्लॉय हो जाएगी तो देन आप न्यू कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो सेकंड हमारा पार्ट है स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगरेशन में हम डिफाइन करेंगे कि हमारा आउटसाइड गेटवे क्या है। तो सबसे पहले हम आउटसाइड इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे। तो आउटसाइड इंटरफेस हमारा वैन है। वैन के बाद हम यहाँ पे IP वर्जन सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा हम अभी एनी IP वर्जन 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। गेटवे हम देंगे 192.168.25.1। 25.1 हमारा गेटवे है इस केस में, फायरवॉल के केस में। उसे सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद हमें सेम स्टेप्स रखना है, सेव करना है और उसे डिप्लॉय कर देना सेटिंग्स को। तो हमने अभी क्या किया है, हमने इंटीग्रेट किया है फायरवॉल FMC के साथ, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगरेशन किया है। अब हम नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा नेटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर डिवाइस के अंदर आप नेट पे जाएंगे, नेटिंग सेलेक्ट करेंगे। नेटिंग के अंदर आप डिवाइस सेलेक्ट करेंगे किस डिवाइस पे आप नेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा FTD। तो FTD जो हमारा इंटीग्रेट किया है हमने, तो वहाँ पे हम इसे ऐड टू पॉलिसी करेंगे। ऐड टू पॉलिसी करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसके अंदर रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा आपका ऐड रूल। जैसे ही आप ऐड रूल पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इंटरफेस सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा और उसमें पूछेगा कि आप ऑटो नेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या स्टैटिक। तो आपके पास एक ही पब्लिक IP है तो आप यहाँ पे डायनामिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे इंटरफेस जोन सेलेक्ट किया नेटिंग के लिए। तो नेटिंग हम अभी इनसाइड टू आउटसाइड कर रहे हैं। सोर्स इंटरफेस हमारा है इनसाइड और हमारा डेस्टिनेशन है आउटसाइड। अगर हम ऑटो नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, डायनेमिक नेट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमारा सोर्स क्या रहेगा। सोर्स हमारा होता है हमेशा लैन, नेटिंग के केस में लैन। तो हमने एक नेटवर्क ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि लैन के नाम से क्रिएट किया है। उसमें हमें IP एड्रेस हमने डिफाइन किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लैन हमने क्रिएट किया है, लैन का IP एड्रेस है 192.168.100.0। तो लैन हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने डेस्टिनेशन IP सेलेक्ट करना है और देन ओके पे प्रेस करना है। तो आपकी नेटिंग भी कॉन्फ़िगर हो गई है। ऑटोमेटिकली आपका जो भी IPs होगा लोकल से आउटसाइड आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हमने उसे डिप्लॉय कर देना है। डिप्लॉय करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप रहेगा पॉलिसी क्रिएशन। तो पॉलिसी क्रिएशन, जैसे ही आप इसे डिप्लॉय करेंगे, आप पॉलिसी क्रिएशन पर जाएंगे, पॉलिसी पर जाएंगे सबसे पहले, और उसके अंदर आप इनसाइड टू आउटसाइड जोन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो हम इसे पॉलिसी का नाम देते हैं लैंड टू वैन। लैंड टू वैन पे हम इनसाइड, लैंड टू वैन का मतलब है कि लैंड से आप इनसाइड से आउटसाइड ट्रैफिक जाना चाहते हैं, डेटा ट्रैफिक। तो उस केस में आपको जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा, नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो नेटवर्क हम रखेंगे अभी एनी आई पी वर्जन फोर हम डेस्टिनेशन रखेंगे। इस पॉलिसी को सेव कर देंगे। तो ये आपका एक लोकल पॉलिसी क्रिएट हो गया। तो लोकल पॉलिसी क्रिएट होने के बाद अब इसमें हमारा एक चीज़ पेंडिंग रह गया डिप्लॉय करने के बाद, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं तो इंटरफेस सेलेक्ट करने में आपको जोन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें हमने मिस कर दिया, तो हम तो अभी सेलेक्ट कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं इसमें हम जाएंगे सिक्योरिटी जोन्स पे, आप क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली कोई भी न्यू जोन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने वैन के लिए आउटसाइड क्रिएट किया हुआ है और लैन के लिए क्लिक किया हुआ इनसाइड। तो यहाँ पे मैंने जोन सेलेक्ट किया। तो ये आपको जोन सेलेक्ट करना है जब भी आप इंटरफेस कॉन्फ़िगर करें, और सिक्योरिटी जोन आपको जैसे लैन है तो यहाँ पे इनसाइड करेंगे, तो ये सिलेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हमने समझा कि अगर हमारे पास कोई फायरवॉल है तो उसमें हम कैसे कैसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।